कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज कौन सी है, 5.1। 5.1 में बच्चों प्रश्न संख्या चार पर चल रहे हैं। चार नंबर में क्या लिखा है देखो, चार नंबर में क्या लिखा है उसने, प्रश्न लिखे हैं क्या लिखा, पहला प्रश्न देखिए लिखा है 2, 4, 8, 16। एक बच्चों आप देख रहे हैं सामने आपके अनुक्रम लिखा हुआ है, क्या लिखा है अनुक्रम, जो अनुक्रम लिखा है प्रश्न कह रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर बताओ और इसके अगले तीन पद भी बताइए, अगले तीन पद भी बताइए, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के लिए बच्चों क्या बताया गया था आपको कि नाम ही उसका है समान अंतर श्रेणी। श्रेणी कब बनती है, अनुक्रम में अगर कोई विशेष क्रम है तो श्रेणी बन जाती है। विशेष क्रम माने योग का होगा या अंतर का होगा या गुणा का होगा या भाग का होगा। जैसे आप देख रहे हो 2, 2 में 4 हुआ 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 32। गुणा का नियम लग रहा, किसका नियम इसमें है, कौन सा विशेष नियम है इसमें, इस अनुक्रम में एक गुणा का विशेष नियम है, किसका, कौन सा नियम, दूने का, किसका है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। माने इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 2n करके रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर n का मान 1 है तो 2n का मान 2 दूनी 4, 3 दूनी लग रहा है, 3 दूनी 6 देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो 2n नहीं बन रहा है, 2n इस तरह से करके चेक कर सकते हो। हालांकि समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र का लगाओगे तो आप अपने आप आ जाता है जो भी चाहिए आपको, 2 की पावर n, n का मान 1 रखो 2 घात 1, n का मान 2 रखो तो 2 घात 2, n का मान 3 रखो तो 2 घात 3, n का मान 4 रखो तो 2 घात 4, इससे बन रहा 2 की पावर n है। तो क्या है, गुणा का नियम बन रहा, किसका बन रहा, गुणा का विशेष नियम बन रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि पदों के बीच का अगर अंतर समान है, क्या समान है, तो करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सार्वंतर, घटाओ दूसरे से पहला, दूसरे से और तीसरे से, 8 से 4 और भी कर सकते हो, 16 से 8, इनका सबका अंतर करके देख लो आप, अगर सबका मान बराबर आएगा, इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर, सबका बराबर आ रहा है, जब समान अंतर है ही नहीं तो श्रेणी समांतर कैसे होगी, श्रेणी कैसे समांतर नहीं हो रही, क्योंकि सारानुपात की बात नहीं कर रहे हैं हम, सारानुपात देखते तो गुणोत्तर श्रेणी में जाते, हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतर की, तो समान अंतर देख रहे हैं, समान अंतर आया इसलिए क्या है, एपी नहीं है, क्यों नहीं है, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं, सिंपल सी बात। अब उसने कहा अगला पद बताओ, अगले तीन पद और बताओ, देखो 1, 2, 3, 4, चार पद है, तुम्हें कौन सा अगला चाहिए, पांचवा, तुम्हें चाहिए पांचवा, क्या चाहिए, कौन चाहिए, तुम्हें चाहिए छठा और तुम्हें चाहिए सातवां। अगर बात करो तो ये कौन है, ये A1 आपका है, ये आपका A2 है, ये आपका, अगले तीन पद कौन बन जाएंगे, A5, A6, A7, यही तो चाहिए। अब देखिए A5 कैसे मिलेगा, A4 में डी जोड़ो जा करके। लेकिन प्रश्न उसने क्या कहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तब अगले तीन पद बताओ, अब यहां समांतर श्रेणी ही आपकी नहीं है तो इन पदों की आवश्यकता आपको नहीं है, ना ही पूछे गए हैं, ना ही आपको करने की आवश्यकता है, ये पार्ट आपको नहीं कर रहा। अगर समांतर श्रेणी आ जाती, अगर डी सबके बराबर आ जाते तो इनके मान हम निकाल देते, कैसे, डी सब में जोड़ देते, इसमें A5 है तो A4 में डी जोड़ देते, फिर अगले में फिर डी जोड़ देते। इसके अलावा भी एक तरीका है, हमने सुबह बात करी थी आपसे कि TN का सूत्र है N का, उसमें जो पद चाहिए, पांचवा चाहिए, छठा चाहिए, सातवां चाहिए, N का मान रख दो अपने आप आ जाता है, करेंगे चर्चा हम उसकी भी। फिलहाल आगे बच्चों यहां देखो, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, डी
तो दूसरे पद से पहला घटा दो, ये ए वन है, ये आपका ए टू है, ये आपका ए थ्री है, ये आपका ए फोर एंड सो ऑन। तो फाइव बाई टू से दो घटा दो, कितना आ जाएगा ये एक बटे दो। चलिए अच्छा आगे चलो, फिर क्रमशः आगे से दो त्याई आगे भी चलो, सात बटे दो से तीन। ये समझ जाते इसके बटे क्या माना जाएगा, एक इसके बटे एक, इसके बटे एक, तीन दूनी। अब बताओ सबका डी समान आ गया, सार्वंतर समान आया सबका, दो दो क्रमशः दो दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए क्या है एपी है, समांतर श्रेणी है, इसलिए एपी है। कोई कहे क्यों है, क्योंकि सार्वंतर समान है, पदों के बीच का अंतर समान है। अब उसने कहा क्या है, इसके अगले तीन पद बताओ, अगले तो चार पद लिखे, अगले तीन पद कौन हो जाएंगे, ए फाइव और ए सिक्स और ए सेवन। अब ए फाइव कब आएगा, देखो ए फाइव इसके आगे आएगा, तो ए फाइव को बताया था सूत्र हमने, ए फोर प्लस डी। ए सिक्स कब बताया था, ए फाइव प्लस डी। ए सेवन कब बताया था, ये बताया था हमने। अब देखिए ए फोर का मान दिया है सात बटे दो, प्लस डी का मान एक बटे दो, ये तो सीधा है, सात एक आठ बटे दो कितना आ गया। ए फाइव, ए फाइव कितना आया है, डी डी का मान सीधे हल कर दो, चार दूनी आठ एक नौ बटे, फिर ए सिक्स का मान नौ बटे दो, डी का मान तो नौ एक दस बटे दो कितना आ गया, ये तीनों पद आ गए। बोलो स्पष्ट है बच्चों, सबसे बेटर क्या है, सबसे सिंपल पूरी समांतर श्रेणी को अगर हम बच्चों से कह दें कि बच्चों समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न आपके पास आवे तो आप एक सूत्र लगा देना, कौन सूत्र, वो सूत्र है टी एन का, वो सूत्र है ए एन का, क्या है ए प्लस एन माइनस वन टू, ये सूत्र, ये सूत्र सीख लो। अब आपको क्या चाहिए था, अभी देखो क्या कर, तो पांचवा पद चाहिए था, क्या चाहिए था पांचवा पद पूछा गया था, पांचवा ही क्यों, उसने कहा अगले तीन पद बताओ, काओ कह देता बीसवा पद बताओ, काओ कहते सत्रहवा बताओ, काओ कहते सवा बताओ, काओ कहते पांचवा बताओ, काओ कहते उन्नीसवा बताओ, जो भी कह देता हमारे लिए सिंपल है, हम क्यों ये करते जा करके पिछले वाले पद में जोड़ते रहे। एक नया फार्मूला क्या है, अगर उसने क्या कहा है पांचवा चाहिए, क्या चाहिए देखो पांचवा चाहिए, तो एन की जगह क्या हो गया पांच, पांचवा देखो वही तो हो गया पांचवा। अब एन की जगह क्या रखोगे, जाके पांच रख दो जाकर के, एन की जगह पांच, ए प्लस एन की जगह पांच बराबर ए का मान, देखो प्रश्न दिया है ए माने, देखो ये प्रथम पद, ए माने प्रथम पद कितना रखोगे, पांच से एक चला गया चार, डी का मान तुमने घटा के देखा था एक बटे, तो दो दूनी चार और चार कितना आ जाएगा, चार चार आठ बटे दो बराबर। अब उसने कहा छठा पद बताओ, तो सूत्र देखो इसमें एन की जगह क्या लिखो जाकर, एन की जगह छह जा रहा है, ए प्लस एन की जगह सिक्स माइनस वन इंटू डी बराबर ए का मान दो, छह से एक चला गया पांच, डी का मान सॉल्व कर लो, दो दूनी चार और पांच चार, फिर सातवां पद चाहिए, नाम है उसका टी सेवन, सेवेंथ टर्म सातवां पद, हिंदी में क्या लिखोगे सातवां पद, टी सेवन लिखा, टी माने टर्म, टर्म माने टर्म अंग्रेजी वर्ड है, पद माने हिंदी है,
और सात माने हिंदी का साथ, और सेवंथ माने अंग्रेजी, तो सेवंथ टर्म या सातवां पद, सातवां ही पूछा है उसने, इसी को आप ए सेवन कह देते हो। लगाओ सूत्र में, ए प्लस एन की जगह सेवन माइनस, ए का मान आपका दो था, सात से चला गया छः, डी का मान क्या था एक बटे, तो दो त्याई छः तीन, और तीन दो यही हो गया आपके तीन। तुम कौन आई, हमें सैंतीसवां पद निकालो सर, सैंतीस, तो सैंतीस निकाल लो, सूत्र में लगाओ जाकर, ए प्लस एन की जगह क्या लिखोगे, ए का मान दो है, सैंतीस से एक चला गया छत्तीस है, डी का मान एक बटे दो है, ये कितना आ गया अठारह, अठारह दो ऐसे कर सकते। तुमको सर चौथा बताओ, तो एन की जगह चार रख दो, तुम कहते पच्चीसवां बताओ, तो एन की जगह पच्चीस बता दो, तुम कहते अठारहवां बताओ, तो एन की जगह, सिंपल है। तुम कहते सर आठवां पद बताओ, आठवां, तो एन की जगह आर रख दो, सिंपल सी बात है, आ जाना चाहिए समझ में सबको। चले आगे, चलिए वो प्रश्न क्या था बच्चों, जो उसमें एक मिटा दिया ना प्रश्न ने, कौन नंबर मिटा दिया बताओ, थर्ड नंबर, थर्ड ना, फोर्थ, अच्छा चलो चलो पहले थर्ड देख लो, धरो क्या करना है, समांतर श्रेणी बताना है, सार्वंतर निकाल के देख लो, देखो क्रमशः घटा दो जा करके, अब घटाने में डर लगता है, देखो 1.2 है, बोलो माइनस का है, तो इसलिए हमने कोष्ठक लगाया है ताकि गलती आपसे ना हो, 1.2 तो माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस 1.2 आ गया, अब बताओ कितना आया, ये जीरो आ गया, किसका आया, माइनस का ज्यादा है, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, ना समझ में तो रफ में सामने लिख के घटा लोगे। आगे चलें, अगला घटाक देख लो, 3.2 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, फिर वही बात है, दो से दो जाएगा जीरो, तीन दो पांच, माइनस का दो आ गया, बोलो आगे करके देख लो, 7.2 से घटा दो जा करके, माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस 5.2, सबका सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसलिए एपी है, एपी माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माने समांतर श्रेणी, एपी है। अब कह रहा है एपी है तो अगले तीन पद बताओ, तो अगले तीन पद बताने हैं आपको, कौन तीन पद अगले हो जाएंगे, एक दो तीन चार लिखे हैं आपके पास, कितने लिखे हैं, तो अगला पांचवा हो जाएगा, फिर बोलो, तो ए फाइव क्या हो जाएगा, ए फोर प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, ए फाइव प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, अब चलो ए फोर का मान कितना था, ये ए वन है, डी का मान माइनस टू का मतलब माइनस टू पॉइंट जीरो, माइनस टू पॉइंट जीरो तो सीधे जुड़ रहा आपका, बोलो ए फाइव कितना आया, देखो माइनस का 9.2 प्लस डी का मान माइनस का 2.0, फिर देखो दोनों माइनस के हैं, फिर ये फिर जुड़ जाएगा, ये तीन पद हो गए। हमने क्या सिखाया था इसी की जगह कि आप जरूरी नहीं कि ऐसे करो, अथवा हमने क्या सिखाया था, एक हमने यहां फार्मूला सिखाया आपको, क्या सिखाया, फार्मूला सिखाया भी, इससे आप क्या ज्ञात करो, कौन पद पूछे गए थे,
खोलो, अब देखो इससे इस सूत्र से एन की जगह क्या रखोगे, जाके एन की जगह क्या रखोगे, तो रखो जाके ए प्लस एन की जगह फाइव माइनस वन इंटू डी। अब ए की जगह मैंने पहला पद श्रेणी क्या था, इसमें क्या था पहला पद, देखो माइनस वन पॉइंट टू, माइनस वन पॉइंट पहले पद की बात कर रहे हैं, ए का मान माइनस पांच से एक चला गया, डी का मान कितना आया था माइनस टू पॉइंट जीरो का हो, बोलो अभी चार दूनी आठ, माइनस का आठ हो एक नौ, माइनस के नौ पॉइंट, बोलो अभी कर पाओगे। तो हमने दो तरीके बच्चों सिखाए आपको। अब फोर्थ पार्ट क्या है, कर लोगे घर में, फोर्थ घर में करिए। फिफ्थ देखिए क्या है, ये फिफ्थ हो गया, समांतर श्रेणी के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। दूसरे पद से पहला घटा दो, पहला कौन है तीन, अथवा तीसरे पद से दूसरा घटा दो, अथवा चौथे पद से तीसरा घटा दो, याद रहे हम बार बार आपसे कहते हैं आपको जरा भी कठिन नहीं लगना चाहिए, आप तुरंत इसको लिख लिया करो ए वन ए टू। अब देखो घटाओ जाके इससे, तीन से तीन सार्वंतर सबका, इसलिए एपी एपी में है। अब श्रेणी के अगले चार पद लिखें, अगले तीन पद कौन हो जाएंगे, ए फाइव ए सिक्स ए सेवन। तो ए फाइव कैसे ज्ञात करोगे, ए सिक्स कैसे, ए फोर कितना था बोलो, ए फोर का मान थ्री प्लस, ठीक है, प्लस डी, डी कितना आया है जोड़ दोगे जाके थ्री रूट टू रूट टू, ये हो गया थ्री प्लस फोर रूट, प्लस डी का मान फिर वही रूट टू। बच्चों सिंपल है, डी का मान इसी बात को, अथवा हमने क्या सिखाया आपको जस्ट अभी, हमने आपको सिखाया कि टीएन बराबर एएन बराबर एक सूत्र है, इसको दिमाग के अंदर बंद कर लीजिए। अब क्या चाहिए, पांचवा छठा सातवां पद, पांचवा छठा और सातवां, इसी को आपने ए फाइव कहा है, इसी को आपने ए सिक्स कहा है, इसी को आपने
सीधे ए फाइव, एन की जगह क्या रखो, देखो टी एन टी फाइव, ए एन ए फाइव, एन की जगह क्या चलेगा, एन की जगह चलेगा फाइव। अब ए माने इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म, पहला पद, तो ए का मान लिखो जाए कितना है, प्रश्न ए का मान देखो कितना है, तीन, तीन, पांच एक चला गया चार, डी का मान तो थ्री प्लस फोर रूट टू, थ्री प्लस यही आया था। आगे टी सिक्स, छह रखो जाके एन की जगह, छ, एन की जगह छ, ए की जगह क्या है, वही ए की जगह तीन, और छह से एक चला गया पांच, और डी का मान रूट टू, तो थ्री प्लस फाइव रूट टू आ गया सीधा। सात रखो जाके एन की जगह, सात से एक चला गया छ, डी का मान रूट टू, थ्री प्लस छह रूट टू, कर सकते हो ऐसे, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे, ये सिंपल सा सूत्र है, इसमें कुछ पीछे से दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ए और डी के मान रखने, ठीक है। इसमें आप देखते हो कौन ए फोर है कौन ए फाइव है, अब देखो ये सार्वंतर देखना है बच्चों, देखो दूसरे से घटाओ, पॉइंट टू, पॉइंट टू मतलब पॉइंट टू के नीचे क्या माना जाएगा, जीरो, तो जीरो कर लो तो क्या घटा के बताओ कितना आ रहा है, यही आ रहा, अच्छा आगे चलो अगले से, इसे पॉइंट टू टू घटाओ तो इसके नीचे क्या माना जाएगा, जीरो, तो क्लियर, दोनों बराबर भाई साहब हैं, यही फेल हो गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको नहीं सर, खूब फुर्सत में है, टाइम हमारे पास है तो अपना कर सकते हो, करते रहो, एपी में नहीं है, कौन नहीं, ये अनुक्रम एपी में नहीं है। अब अगले तीन पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। अगला देखो, चलिए घटाइए, ये क्या लिखा, वन है ना, ये क्या है, डी घटाओ दूसरे पद से पहला, माइनस चार से घटाओ जाके जीरो को, माइनस चार आया, कितना आया, आगे अगला पद देखो, माइनस आठ, घटाने में डर लगता है तो कोष्ठक का प्रयोग करो, माइनस माइनस का प्लस चार, तो आठ से चार चले गए, और घटा के देख लो, सार्वंतर समान आ रहा, अर्थात समान अंतर वाली श्रेणी है ये, तो समांतर श्रेणी है, इसलिए एपी में है उपरोक्त पद या अनुक्रम। अब कर अगले तीन पद बताओ, अगले तीन पद ए फाइव, ए सिक्स, कर लोगे, अथवा हमने क्या सिखाया था, इस सूत्र से क्या ज्ञात करना है, टी फाइव टी सिक्स रख पाओगे मान, एन की जगह पांच, एन की जगह छह, एन की जगह रख लोगे, ए कमान, डी कमान,
माइनस चार कर सकते हो। इसी प्रकार इसको देखिएगा, ये तो सब समान लग रहा है, ये क्या है, इसमें d का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या समांतर कहें कि न कहें, माइनस माइनस प्लस, सबका डी समान आया। अब जो नियम कहता है, नियम कहता है अगर डी बराबर है, सार्वंतर बराबर है, तो भाई समांतर श्रेणी कहना पड़ेगा। प्रश्न में कहा गया, नियम में सिखाया गया कि समान अंतर है इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इन सबके, इन इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का अंतर क्या आया है, समान आया है। तो जब समान आया तो समांतर श्रेणी है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए बोलो है। अब एपी में तो कह रहा अगले तीन पद बताओ। अब अगले तीन पद बहुत कठिन है, ए वन ए टू तो a4 प्लस डी, ए फोर का मान और d का मान, फिर a6, a5 प्लस डी, a5 का मान और d0, समझ गए आप। d का मान क्या है, जीरो, तो ये भी आ गया वही माइनस एक बटे, कर सकते हो अथवा इस सूत्र से, अथवा इस सूत्र से। अब जरा देख लो फटाफट इनमें इस तरह से बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है प्रश्नों में, ठीक है। इनका इनका अंतर कर लोगे, इसका इसका कर लोगे, इसका इसका कर लोगे, अगर सार्वंतर बराबर आता है तो एपी कह देंगे और उसके तीन पद बता देंगे, ठीक। इसी प्रकार इसको देखेंगे, अभी हम देख ले रहे हैं, आप लोगों से पूछे ले रहे हैं कि आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पीछे जैसे बच्चे नहीं बैठे हुए आराम नींद में है, तो देखिए जरा सार्वंतर, तो ये क्या था, ए वन है, ये ए टू है, अब घटा रहे हैं दूसरे पद से, देखना रूट आठ के गुणनखंड कर लो, इसमें देखो जोड़ा बन रहा है, ये तो जोड़े का टू रूट टू माइनस कितना आया इसका सार्वंतर रूट टू, लेकिन सबके बीच का अगर बराबर आवे तब सार्वंतर बराबर कहेंगे। चलिए तो एक पार्ट किया तुमने, ये क्या किया है, ये है आपने लिखा है ए टू माइनस, इसी प्रकार से डी बराबर लिखो जाए अगला ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है रूट अठारह, अब देखो ये नौ दून अठारह होता है, नौ नौ क्या लिखोगे तीन रूट, ये चार दूनी आठ घटा दो, इसी प्रकार डी बराबर अगला कर दो ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर है आपके पास रूट बत्तीस, बत्तीस सोलह दूनी बत्तीस, अठारह नौ दून अठारह, सार्वंतर सबका बराबर आ गया बच्चों, इसलिए समांतर श्रेणी है, एपी है, एपी में है ये क्रम आपका,
अब क्या कह रहा है अगले तीन पद, अगले तीन पद कौन हो जाएंगे, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन। ए फाइव कैसे याद करते थे, ए सिक्स, ए सेवन। अब ए फोर कितना आया था आपका, देखो रूट 32 है और डी का मान रूट 2 आया है, रूट 32 और डी का मान याद रहे, रूट 32 को पीछे क्या लिखे थे, 16 दूनी 32 चार रूट 2, इसको लिखे थे आप लोग चार रूट और जोड़ दो जाकर के 5 रूट। इसी प्रकार ए फाइव क्या आ गया था आपका 5 रूट और डी का मान क्या था, ए सिक्स का मान क्या आया है और डी का मान 3 पद हो गए। क्लियर कर सकते हो अब सब लोग। इसी प्रकार हमने दूसरा क्या सिखाया यहां पर आपको, क्या फार्मूला बताया है, आपको हम ये सिखा रहे हैं कि अयोध्या में जाओगे तो क्या कहोगे, जपोगे, और लंका में और मथुरा में राधे राधे, और समांतर श्रेणी में सब, इससे आ जाएगा, इससे सब आ जाएगा। आप देखना भी जब आगे प्रश्न करेंगे, केवल एक सूत्र बस वही राजा राज करेगा पूरे एक्सरसाइज पर, जो चाहिए इसी से आ जाएगा। क्या चाहिए था फिलहाल आपको, आपको चाहिए था पांचवा पद, आपको चाहिए था छठा पद, आपको चाहिए था सातवां पद, अब n की जगह 5 रख जाओ जाके इसमें, a का मान क्या था प्रश्न शुरू में, a का मान बताओ क्या था, रूट टू, a का मान था रूट टू, 5 एक चला गया 4, d का मान क्या आया है, तो रूट टू और 4 रूट टू, 5 रूट टू हो गए, कितने हो गए। फिर देखिए ए सिक्स, एन की जगह 6 रखो जाकर के, एन की जगह 6, ए की जगह क्या आया है रूट टू, 6 से एक चला गया 5, डी का मान 5 रूट टू, एक रूट टू। इसी प्रकार से एन की जगह 7 रखो जाकर के, ये समझ में आता है, टी सेवन टी एन, देखो देखो टी ऐसे बना, ऐसे ऐसे टी ए बना है, यहाँ एन लिखा था, यहाँ एन की जगह 7 आ गया है, तो इस एन की जगह आप ये 7 लिख देते हो जा करके, ए प्लस एन की जगह 7 माइनस 1, ए का मान रूट टू प्रश्न में है, 7 से 6, डी का मान रूट टू दिया है या निकाला है आपने, तो 6 वेक। इसी तरह से कुछ भी का आ जाए निकाल लोगे, अगर 27वां का आ जाए तो एन की जगह क्या आ जाएगा 27, आप घर में कर सकते हो। अब देखिए लास्ट के प्रश्न बचे हैं 3, और ये आप देख रहे हो सामने प्रश्न में, अगर इसको मैं ऐसे लिख दें, अथवा समझिए 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो अगर इनका सार्वांतर करोगे आप तो वो समान नहीं आ रहा है, हमें देखते ही पता लग रहा, क्यों नहीं आएगा, चूंकि वो गुणोत्तर अनुपात में श्रेणी लिखी है 1, 3, 5, 7, ये विषम पद है 1, 3, 5, 7, उस पर घात का वर्ग लगा है, क्या लगा वर्ग, तो फिलहाल घटाक देख लो, आपने जो सीखा वो करो, 9 से 1 गया 8, 25 से 9 गया, ये बराबर आपके आगे करने की आवश्यकता आपको एपी में नहीं है, आगे की बात खत्म। ये देखो ये भी वही है, अथवा इसको लिखो 1 5 7 49, आप घटा के देख लो, 25 से 1 24, देख लो घटा के,
लग रहा बराबर आ रहा। पच्चीस से घटाओ, उनचास से तिहत्तर से इसलिए एपी में है। अगले तीन पद कौन हो जाएंगे? ए फाइव ए फोर प्लस डी, तो ए फोर कितना आया था देखो, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तिहत्तर प्लस डी कितना आया है जोड़ देना, ए फाइव इसी प्रकार ये कितना आया, डी कितना था चौबीस, इस प्रकार से अथवा उस सूत्र से, अथवा उस सूत्र से। अच्छा ये प्रश्न है, इसमें बताओ आएगा बराबर, करके देख लो। ये ए वन रूट सिक्स से घटाओ, आगे रूट नाइन से घटाओ, थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो रूट छह को क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो आप, रूट टू इंटू माइनस रूट थ्री। अब इसको आगे क्या लिख सकते हो, इसमें रूट थ्री कॉमन कर सकते हो, क्या गया रूट टू माइनस वन। इसको देखो रूट नाइन को क्या लिख सकते हो, रूट तीन गुणा रूट तीन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रूट तीन गुणा रूट तीन। इसको लिख सकते हो रूट दो गुणा रूट तीन, दोनों छह, इसमें बच्चों रूट तीन कॉमन कर सकते हो, रूट तीन माइनस रूट टू। इसको क्या लिख सकते हो बारह, तो चार त्याई बारह, चार दो रूट तीन, और ये रूट तीन गुणा रूट तीन, या ये तो सीधे लिख भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो तीन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तीन, या रूट तीन कॉमन कर जाओ तो क्या आ गया। अब बच्चों देखने से तो पता लग नहीं रहा कि बराबर है क्या है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रूट थ्री रूट टू के मान रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, लेकिन लग क्या रहा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी जाके दूसरी रूट तीन सब में बाहर देखो है, ये वैल्यू बराबर आ जाएगा तो बन जाए रूट थ्री से रूट टू। तो देखो रफ में करके देख ले रहे हैं, नहीं बच्चों बराबर आ रहा, इसकी वैल्यू आ रही 0.414 और इसकी आ रही 0.218, ये बराबर नहीं है, जो कि एपी में नहीं है। तुम कहो ये कैसे किया सर, ये ऐसे किया कि रूट टू का मान क्या होता है, ये हमने रखा रूट थ्री की जगह हमने
ये रख के देखा, कैलकुलेट किया, वो बराबर नहीं। इस तरह से सारे प्रश्न बच्चों आप कर लीजिए घर से, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा विस्तार से आराम से बता दिया गया, सारे प्रश्न घर से करके आइएगा, ठीक है।